क्वेश्चन थर्टी सिक्स है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल आर इन्फ्लुएंस दोज इन पावर तो पावर शेयरिंग को ऐसे भी समझा सकता है कि किस प्रकार से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो प्रेशर ग्रुप्स हैं जो आंदोलन हैं और जो लोग पावर में होते हैं उनको ये प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से ये बताते हैं कि हमको क्या चाहिए इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर एक लोकतंत्र में नागरिकों का अधिकार होना चाहिए कि वो जो भी पावर में जाने वाले हैं उनको अलग अलग लोगों से चुन सकें इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन एमंग डिफरेंट पार्टीज और अभी के वर्तमान लोकतंत्र में जो अलग अलग पार्टीज हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं या राजनीतिक दल हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है और इसी के आधार पर लोग फैसला करते हैं कि कौन सा पार्टी अच्छा है सच कंपटीशन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड और इस प्रकार की जो कंपटीशन है या प्रतियोगिता है इस चीज़ को इंश्योर करता है सुनिश्चित करता है कि जो पावर है वह हाथ में ना रहे इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स अगर यही चीज़ बार बार होते रहता है तो एक लंबे समय में जो सत्ता है या पावर है वो अलग अलग पोलिटिकल पार्टीज में शेयर होते रहता है जो अलग अलग विचारधाराओं को अलग अलग सामाजिक ग्रुपों को रिप्रेजेंट करते हैं समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट वन टू आर मोर पार्टीज फार्म एन अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस और कई बार ये डायरेक्ट भी होता है इस प्रकार के शेयरिंग जब दो या दो से अधिक पार्टी एक अलायंस बना लेते हैं और चुनाव लड़ते हैं इफ़ देयर अलायंस इज इलेक्टेड कोलेजन गवर्नमेंट इन दस शेयर पावर अगर उनका अलायंस इलेक्ट हो जाता है जीत जाता है तो एक कोलेजन गवर्नमेंट बनाते हैं और वो पावर को शेयर करते हैं वही फाइन इंटरेस्ट ग्रुप सच इज दो जब आप ट्रेडर्स बिजनेसमैन इंडस्ट्रियस्ट फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स लेकिन इसमें कई सारे इंटरेस्ट ग्रुप भी होते हैं जैसे कि व्यापारियों का ट्रेडर्स का इंडस्ट्रियस्ट का किसानों का इंडस्ट्रियल वर्कर्स का दे आल्सो विल हैव शेयर इन गवर्नमेंट पावर एदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कम्युनिटीज़ आर ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसजन मेकिंग प्रोसेस और ये भी पावर को शेयर करते हैं अलग अलग तरीक़ों से या तो ये गवर्नमेंटल कमिटीज़ में होते हैं या उसको प्रभावित करते हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसको अब इसमें क्वेश्चन थर्टी सिक्स पॉइंट वन है कि पावर शेयरिंग इज एन एसेंशियल कम्पोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी गिव वन एग्जाम्पल टू अप्रूव द स्टेटमेंट तो डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में जो पावर शेयरिंग है सत्ता का बंटवारा है एक एसेंशियल कम्पोनेंट है हमको इसको एग्जाम्पल से बताना है यहाँ पे हमने अच्छे समझा है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स जो होते हैं ना वो सत्ता में भागीदारी चाहते हैं और इसके लिए वो कोलाइजन करते हैं अलग अलग लोगों के साथ भागीदारी करते हैं और पावर को शेयर करते हैं इसी को इसके आंसर में लिखना है अब इसका आंसर लिखेंगे कि पावर शेयरिंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स एंड इंश्योर द स्टेबिलिटी इसमें क्वेश्चन थर्टी सिक्स पॉइंट टू है हाउ इज अलायंस बिल्डिंग एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग कि जो अलायंस बिल्डिंग है ना वो पावर शेयरिंग के एग्जाम्पल कैसा है तो यहाँ पे हमने अच्छे से समझा है कि दो या दो से अधिक विचारधाराओं की पार्टियाँ अगर एक साथ अलायंस बना के इलेक्शन को कंटेस्ट करती हैं और बाद में जीतती हैं तो जो पावर शेयरिंग वो पहले से हो गया रहता है दोनों के बीच में जो समझौता रहता है दोनों के आइडियोलॉजी के बीच में उससे वो पावर शेयर हो गया रहता है तो इस प्रकार के अलायंस जो है ना वो 100 परसेंट पावर शेयरिंग के एक एग्ज़ाम्पल हैं तो इसको हमको इसके आंसर में लिखना है अब इसका आंसर लिखेंगे कि अलायंस बिल्डिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग बिकाज पोलिटिकल आइडियाज आर शेयर बिटवीन टू आर मोर पार्टीज टू फार्म अ गवर्नमेंट क्वेश्चन थर्टी सिक्स पॉइंट थ्री है हाउ पोलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स हेल्प इन कंट्रोलिंग आर इन्फ्लुएंसिंग दोज हु आर इन पावर तो देखिए जो पोलिटिकल पार्टीज हैं प्रेशर ग्रुप्स हैं जो मूवमेंट्स हैं वो क्या करते हैं बार बार जो लोग पावर में उनको बताते रहते हैं कि हमको ये चाहिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे जैसे मान लीजिए सरकार आरक्षण के खिलाफ जाएगा तो जो लोग आरक्षण चाहते हैं वो लोग सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं सरकार अगर डी बढ़ाता है तो जो कर्मचारी लोग प्रेशर डालते हैं तो इस प्रकार से जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना उनमें इनका एक गहरा इन्फ्लुएंस रहता है इसी को इसके आंसर में हमको लिखना है इसका आंसर है पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड वूमेंट्स हेल्प इन कंट्रोलिंग दोज हु आर इन पावर भाई फर्स्ट है पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड बट इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ सेकेंड है फ्रीडम ऑफ चॉइस इन वॉल्स कम्पिटीशन एमंग डिफरेंट पार्टीज